अगला क्वेश्चन आपका है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की गुडविल के कैलकुलेशन के लिए कौन कौन से मेथड की जरूरत पड़ती है। तो मेन चार होते हैं, नंबर वन होता है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर टू होता है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, नंबर थर्ड होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, नंबर फोर होता है एनुटी मेथड। एवरेज प्रॉफिट में दो आते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, नंबर टू होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन में भी दो आते हैं आपका, कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो ध्यान दो एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है गुडविल का फार्मूला कि सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हो, जो भी आपको टोटल प्रॉफिट होगा डिवाइड कर दोगे उसके ईयर से। जब एवरेज प्रॉफिट आ जाता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज से, जितने ईयर के क्वेश्चन में गुडविल दी रहती है। उसी तरह सुपर प्रॉफिट के लिए क्या होता है, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, फिर दोनों को माइनस कर लेते हैं। ठीक, आपके पास आता है सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल के लिए क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप निकाल लेते हैं।